हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाएंगे और बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए, जिससे कि ये टेस्टी और हेल्दी रहे। मार्केट में जो नमकीन मिलती है उनमें अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता है और वो टोटली फ्राइड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ऑयली हो जाती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नमकीन घर पर ही बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप मेरे सारे वीडियोस को एक ही जगह मेरी वेबसाइट www.nehakipakshala.com पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम तेल को हल्का गर्म करेंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हम तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक बीच बीच में चलाते हुए सेक लेंगे। आप चाहें तो मूंगफली कम भी डाल सकते हैं, मुझे मूंगफली ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मूंगफली डाली है। मूंगफली अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसको एक थाली में एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा टिश्यू पेपर सोख लेगा। मैंने सूखे नारियल को पतला पतला और लंबा लंबा काट कर लिया है। इसको हम तेल में डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे सेक लेंगे। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये कम तेल में ही आसानी से सिक जाता है। हमें इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक सेकना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है, बस 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे और सेकेंगे। नारियल अच्छे से सिक गया है, अब हम इसको भी थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम। इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम पर ही सेक लेंगे। मैं इस नमकीन को बनाने के लिए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि ये हेल्दी, टेस्टी और कम ऑयली रहे। काजू का कलर चेंज हो गया है और बादाम भी अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको भी थाली में निकाल लेते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही हम इसको लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। किशमिश जब सिक जाती है तो ये फूल जाती है। आप देख सकते हैं कि किशमिश फूलना शुरू हो गई है, बस इसे लगातार चलाते हुए सेकते रहें। सारी किशमिश फूल गई है, इसका मतलब कि ये अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गैस को मीडियम लो रखेंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, इसमें हम 15-20 कड़ी पत्ते डालेंगे। दो हरी मिर्च डालेंगे, जिसे कि हमने लंबा लंबा काट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 3 बड़े कप कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लेक्स लिया है वो रेगुलर कॉर्नफ्लेक्स है, जिसे कि हम दूध में डालकर खाते हैं, और ये पहले से ड्राई रोस्ट होता है इसलिए हमें इसे फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पे करेंगे। अब हम इसमें वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि हमने सेक के रखी हैं।
सारी चीजों को कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। एक बड़ा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और एक छोटी चम्मच चाट मसाला। अमचूर से इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, इससे इसमें थोड़ा सा मीठापन आएगा और हमारी नमकीन खट्टी मीठी बनेगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और एकदम कम तेल में हमारी कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और नमकीन को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। नमकीन ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया नमकीन बन करके तैयार हुई है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें और आराम से महीने भर तक इसका मजा लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे सुबह या शाम को चाय या कॉफ़ी के साथ लें। चाय कॉफी का मजा इसके साथ दुगना हो जाएगा। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।